सोलन नगर निगम के चुनाव 7 अप्रैल को घोषित हो चुके हैं, जिसके चलते सोलन में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल इन चुनावों में जीत हासिल कर सकें, इसके लिए चुनावी बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। चुनावों में युवाओं की अहम भूमिका रहती है, भाजपा ये बात बखूबी जानती है, इसलिए भाजपा युवा मोर्चा ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में युवाओं को आमंत्रित किया गया जो पहली बार लोकतंत्र में अपनी आहुति डालने जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा की विचारधारा से अवगत करवाया गया और उन्हें सदस्यता दिलाकर अपनी शक्ति का विस्तार किया गया। इस मौके पर खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, जिला अध्यक्ष आशुतोष बैद और युवा मोर्चा सोलन मंडल के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि भाजपा की लोकप्रियता को देखते हुए देश प्रदेश का हर युवा भाजपा की विचारधारा से जुड़ना चाहता है। युवाओं के जुड़ने से भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में 173 युवा भाजपा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इतनी अधिक संख्या में युवाओं के जुड़ने से ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले नगर निगम चुनावों में भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता भी भाजपा से संपर्क साध रहे हैं, जल्द ही उन्हें भी भाजपा परिवार में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल के लिए गौरव का दिन है और मैं गौरव शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सोलन मंडल के ऊर्जामान अध्यक्ष श्री रोहित भारद्वाज जी के प्रयासों से तथा मंडल के कार्यकर्ताओं के प्रयासों के द्वारा आज सोलन नगर से संबंधित तथा एडजॉइनिंग पंचायत से संबंधित 173 युवा मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में आज का ये दिन, आज के दिन के माध्यम से जो युवा शक्ति हमारे साथ निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़कर परिवार के साथ जुड़ रही है, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की नीतियों के कारण, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, इनके मनों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उसके द्वारा आज ये भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। इनका स्वागत अभिनंदन युवा शक्ति, और युवा शक्ति में इस तरह से जो हमें हमारे संगठन को बल मिला है, आने वाला चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी 17 के 17 वार्डों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए हम बड़े अच्छी मेजोरिटी से यहां पर कॉरपोरेशन चुनाव जीतने जा रहे हैं।